निशा रावल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑन माय चैनल एंड अ न्यू डे इन माय लाइफ। हमारी यूट्यूब की फैमिली बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसकी मुझे बेहद खुशी है। तेजी से याद आया, हम में से ज्यादातर लोग एक फास्ट लाइफ जी रहे हैं। फास्ट लाइफ यानी कि कम वर्क, ज्यादा प्रेशर, गिविंग टाइम टू फैमिली, वर्क, यहाँ तक कि वीकेंड्स और हॉलीडेज भी इतने हेक्टिक हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जहाँ हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर हम अपना दिन और अपने काम एक एफिशिएंट तरीके से प्लान करें तो हमारी लाइफ स्मूथ जरूर हो सकती है। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रोसरी एंड एसेंशियल्स की शॉपिंग लिस्ट, जो आपको हेल्प करेगी इन योर शॉपिंग गोल्स। फंडा बहुत ही सिंपल है, डिवाइड व्हाइल मेकिंग द लिस्ट, डिवाइड व्हाइल शॉपिंग, डिवाइड व्हाइल पैकिंग एंड चिल व्हाइल अनपैकिंग। तो मैंने अपनी लिस्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पैंट्री यानी कि दाल, चावल, मसाले वगैरह, फ्रेश प्रोड्यूस यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, रेफ्रिजरेटर स्टफ यानी कि जो भी चीजें फ्रिज में जाती हैं, पनीर, चीज, दही, टॉयलेटरीज यानी कि टूथपेस्ट, क्रीम्स, हेयर ऑयल्स एंड सैनिटेशन एंड क्लीनिंग, डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर वगैरह। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या ऑफलाइन, ये लिस्ट आपके काम जरूर आएगी। पर मैं उन ऑफलाइन शॉपिंग वाले दिनों को बहुत मिस करती हूँ, जहाँ पर मैं सुपरमार्केट जाया करती थी, सारे एक जैसे प्रोडक्ट्स एक रैक में होते थे, आप प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर पाते थे, फील कर पाते थे, यू कुड कंपेयर द क्वालिटी, प्राइस, कई प्रोडक्ट्स को आप ट्राई भी कर पाते थे। सो जस्ट फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, आज जा रहे हैं आप और मैं शॉपिंग करने, लेट्स गो। तो सबसे पहले जरूरी है एक क्यूट और कंफर्टेबल आउटफिट, क्योंकि आप बेंड करोगे, चीजें उठाओगे, ड्राइव करोगे तो कंफर्टेबल होना तो बनता है। और कंफर्टेबल शूज, क्योंकि हील्स पहन के पार्टी करने तो हम जा नहीं रहे, राइट? और एक स्लिंग बैग जिसमें आप रखेंगे अपनी इम्पोर्टेंट चीजें, फोन, एयरपॉड्स, वॉलेट, कार कीज, सैनिटाइजर, आपकी फेवरेट लिपस्टिक एंड नॉट टू फॉरगेट द शॉपिंग लिस्ट। And don't forget to take your reusable shopping bags, ताकि आप वातावरण में वेस्ट ना फैलाएं और अपने पैसे भी वेस्ट ना करें। चलें। एक ही जगह पर चीजें रखने से, एक ही तरीके से काम करने से हमारा माइंड ट्रेन रहता है और हमारी मसल मेमोरी उसे सेव कर लेती है। इसीलिए तो रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि ऑटोमेटिकली हमें आदत हो जाए और हम कम थकान महसूस करें। अपनी शॉपिंग के बारे में ना, मैं एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ कि जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक खरीदने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं अपना और अपने परिवार का केमिकल इनटेक कम कर सकूँ। आजकल इतने केमिकल्स हैं मार्केट में, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम तो इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, फिर हमें कैसे हो गई ये बीमारी। इसकी वजह है ये प्रोडक्ट्स, जो हम फैंसी समझकर खरीद तो लेते हैं, हम कभी उनके लेबल्स नहीं पढ़ते। यू नो, मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के पहले उस पर एक डीप रिसर्च करती हूँ, और अगर आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मेरी एक एडेड जिम्मेदारी बन जाती है। मेरी कार 1 साल पुरानी है और अभी तक मैंने इसके लिए कोई एयर फ्रेशनर नहीं खरीदा था, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एयर फ्रेशनर्स में ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, यानी कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। फाइनली मैंने एक ऐसा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट ढूंढी निकाला जो 100% ऑर्गेनिक कैम्फर से बना है, कैम्प्योर। कैम्फर, जिसे हम हिंदी में कपूर भी कहते हैं, हमारे देश में यूजुअली रिलीजियस कार्यों के लिए, शुद्धि के लिए यूज किया जाता है। तो कैम्फर को पाइन ट्री या देवदार ट्री के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, इसीलिए ये 100% ऑर्गेनिक होता है। और कैम्प्योर कैम्फर कोन की खास बात ये है कि इसकी खुशबू तो अच्छी है ही, इसके साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। सर्दी जुकाम में जब नाक ब्लॉक हो जाता है तो इसकी खुशबू से हमारे नेजल एयरवे का कंजेशन क्लियर हो जाता है। इसकी खुशबू मस्कीटोज और फ्लाइज को भी दूर रखती है, यानी कि ये इंसेक्ट रिपेलेंट का काम भी करता है। ये अनप्लेजेंट ओडर्स या बदबू को तुरंत निकाल देता है। ये आपके कपड़ों को मॉथ इन्फेस्टेशंस और डैम्पनेस से भी बचाता है। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, यानी कि
एक कैंप्योर कैम्फर का कोन 45 डेज तक लास्ट करता है। इसमें एक इलास्टिक बैंड भी होता है जिसकी मदद से आप इसे अपने घरों में, ऑफिस में, कार में, कहीं पे भी आसानी से लगा सकते हैं। इसमें कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है। ये एक मूड एनहांसर भी है और ये 7 यूनिक फ्रेग्रेंसेस में आता है, रोज, लैवेंडर, जैस्मिन, सैंडलवुड, भीमसेनी, मोगरा और ओरिजिनल। आप भी ये अमेजिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं हाउस ऑफ मंगलम की वेबसाइट से। वहां पर आप मेरा डिस्काउंट कोड निशा15 यूज करना मत भूलिएगा, उससे आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट ऑन द टोटल ऑर्डर। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट ट्राई करेंगे तो डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कपूर के कुछ और ऐसे फायदे हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताए हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अब हम पहुंच चुके हैं सुपरमार्केट में, लेट्स गो। और आज हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ है अंजना देवी। तो सुपरमार्केट में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने ली ट्रॉली और उसके बाद क्योंकि हमारी लिस्ट ऑलरेडी सेक्शंस में बटी हुई थी और सुपरमार्केट में भी सेक्शंस में ही सामान रखा होता है, तो इसलिए हमने सेक्शन बाय सेक्शन शॉपिंग करना शुरू किया। इससे होता ये है कि आपकी लिस्ट भी एज पर सेक्शंस बनी हुई है, आपकी शॉपिंग भी एज पर सेक्शंस होती है और आपकी पैकिंग यानी कि अलग अलग बैग्स में आप एक जैसा सामान रख देते हो। दैट मींस पैंट्री आइटम्स विल बी इन वन और टू बैग्स, उसके बाद फ्रेश यानी कि फ्रेश सब्जियां एक दो बैग्स में होंगी, फ्रिज की चीजें एक अलग बैग में होंगी, आपकी टॉयलेटरीज अलग बैग में होगी और सैनिटेशन और हाइजीन का सामान एक बैग में होगा। हमने पूरी शॉपिंग विद इन 60 मिनट्स खत्म भी कर ली और ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट थी और हम एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से गए थे। जी हाँ, लिस्ट बनाना एक थोड़ा एफर्ट वाला काम होता है बट इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो जिंजर, बनाना, सेलरी, परवेज स्टॉक, कॉर्न, काविशस फेवरेट पालक। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली शॉपिंग में चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आई प्रॉमिस यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर यू। रिमेम्बर द रूल, डिवाइड व्हाइल मेकिंग द लिस्ट, डिवाइड व्हाइल शॉपिंग, डिवाइड व्हाइल पैकिंग एंड चिल व्हाइल अनपैकिंग। तो फ्रिज का सामान एक अलग बैग में था, उसको मैंने कार में रख दिया अपने साथ अंदर ताकि उसका टेम्परेचर ठंडा बना रहे। घर में आने के बाद सबसे पहले फ्रिज वाला सामान फ्रिज में रखा गया, सब्जियां ऑलरेडी अलग थी तो वो धोने में चली गई और बाकी का सामान आप अपने हिसाब से अपना टाइम लेकर लगा सकते हैं। पता है ऑर्गेनाइज होने के ना बहुत फायदे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम जाता है बट इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट क्योंकि ऑर्गेनाइज होने की वजह से आपके सारे काम टाइम पर हो सकते हैं, आपको अपनी हॉबीज परसू करने का टाइम मिल सकता है, जो बचा हुआ टाइम है आप उसको अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड कर सकते हैं एंड एक क्लटर फ्री स्पेस यानी कि एक क्लटर फ्री माइंड, जो फील गुड फैक्टर होता है और जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कोई भी चीज को एक अच्छे तरीके से करने का, वो फीलिंग तो प्राइसलेस है, राइट? आज का दिन बहुत ही मजेदार रहा एंड आई एम सुपर सैटिस्फाइड कि मैंने आप लोगों के साथ अपना एक स्किल शेयर किया है। आई होप ये आप लोगों के काम आए। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी कंपनी। अब सामान तो आप लोग लगा लोगे ना अपने हिसाब से, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूं, तो आप लोगों को क्या करना है आपको पता है ना? लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो ताकि मुझे पता चले कि आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू Like, share it with your friends, subscribe to my channel, give me some love. तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay strong, keep smiling and spread the love.